इस फिल्म में एक लव स्टोरी बन रही है, उसमें मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ एंड एक अच्छी कहानी है उसमें, जो नॉर्मल हीरोइन करती मैं वो कर रही हूँ. या तो अब मैं क्या बोलूँ, लव स्टोरी में क्या क्या करते हैं हीरोइन, लव स्टोरी में क्या करती है, बस हीरो से प्यार करती है, गाना गाती है और एक अच्छी यंग रोमांटिक लव स्टोरी बन रही है एकदम सतीश कौशिक के स्टाइल से. एक बहुत ख़ास बात है इस फिल्म की मिलेंगे मिलेंगे की कि मुझे कुछ कहना है कि बाद में सतीश कौशिक के साथ काम कर रही हूँ, तो आई थिंक मुझे कुछ कहना है वॉज अ हिट फिल्म फॉर मी, सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग कि मैं सतीश कौशिक के साथ फिर से काम कर रही हूँ. दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म. जी आई थिंक सतीश जी के साथ मैं फिल्म में काम करूँगी क्योंकि ही इज़ अ हीरोइंस डायरेक्टर, उनको हीरोइन से अच्छे काम निकालना आता है, ही नोज़ हाउ टू डू इट एंड ऑफकोर्स एक हिट टीमिंग तो हो गई है हमारी, तो आई ऑब्वियसली लाइक टू वर्क विद हिम अगेन. मेरा तो एक ही शॉट हुआ है दिन में, बट ऐसे ही वो हीरोइन हीरो को ढूंढने जाती है एंड वो हीरो वहाँ नहीं होता है, अपने रूम में नहीं होता है, वो कहीं और होता है. दैट लीड्स टू अनदर इवेंट इन द फिल्म विच लीड्स टू द इंटरवल पॉइंट ऑफ द मूवी. बहुत अच्छा फीलिंग हुआ. आई थिंक देर इज़ अ न्यू एंट्री इन माई फैमिली इन माई होम विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट एंड एक बहुत अजीब फीलिंग हो रही है कि करिश्मा कपूर माँ बनने वाली है, बस यही फीलिंग हो रही है. मैं यही सोच रही हूँ कि माई गॉड दैट सेम गर्ल हु वॉज इन हीरो नंबर वन एंड हसीना मान जाएगी इज़ नाउ एक्चुअली प्रेगनेंट विद अ फैट स्टमक. ऐसे कुछ प्लान नहीं है, बट फर्स्ट आई वॉन्ट द बेबी टू कम आउट हेल्दी एंड दैट्स वॉट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड इन फैक्ट आई लाइक टू टेल ऑल ऑफ करिश्माज फैंस एंड हु आर ऑल आवर फैंस, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड प्रे फॉर माई सिस्टर टू हैव अ हेल्दी बेबी. आई थिंक दैट्स वॉट आई वॉन्ट. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू एंड आई वॉन्ट ऑल योर ब्लेसिंग्स फॉर दैट. जी एतराज़ इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फिल्म. एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है एतराज़, बहुत अच्छी फिल्म बनी है. अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया है, अब्बास मस्तान जी के साथ भी मैंने एक अच्छी हिट फिल्म दी है अजनबी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. एक बात है कि दिवाली में बहुत अलग अलग किस्म की फिल्म आ रही है, एक लव स्टोरी है, एक थ्रिलर है जिसमें देर इज़ लॉट ऑफ थ्रिल्स इन द मूवी. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट एतराज़ एंड आई होप इट डज़ वेल. नहीं आई थिंक एक हीरो के साथ एक हीरोइन की जब रिलेशन अच्छी हो जाती है तो आई मीन आई हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप विद अक्षय कुमार, विद लॉट ऑफ पीपल. आई एम गोइंग टू वर्क विद सलमान, सो आई थिंक दैट आई डोंट नो, आई एम बेसिकली फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली विद मोस्ट ऑफ माई हीरोज, सो आई थिंक दैट देर इज़ नो प्रॉब्लम. मिलेंगे मिलेंगे ऑल्सो आई वर्क विद शायद इन फिदा, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा आई लाइक टू कीप अ गुड एटमोसफियर ऑन द सेट्स विद एवरीबडी. आई थिंक एक भरोसा है एक डायरेक्टर पे, तो मुझे बहुत भरोसा है सतीश कौशिक पे क्योंकि ही इज़ गिवन मी अ ग्रेट प्रेजेंटेशन. एक्चुअली माई करियर वट एवर इट इज़ बिकॉज ऑफ मुझे कुछ कहना है एंड सतीश कौशिक जी हैज़ प्लेड अ वेरी 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 बिग हैंड इन माई करियर एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. सो आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट एंड आई गिव हिम हिज ड्यू, सो आई एम डूइंग दिस मूवी. एक तो हैप्पी न्यूज़ हो गई है कि करिश्मा इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ गोना हैव बेबी. आई होप दिवाली गिव्स मी अ बेटर न्यूज़ दैट एतराज़ डज वेल. दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट एवर. ऑफ या आई थिंक वी आर बाइड ऑन धनतेरस. दैट्स व्हाट दे फील. आई थिंक इट्स अ हिंदू रिचुअल एंड all rituals should be followed for those people who believe in it. So if they follow it, if the Hindus believe in it, I think we should follow that ritual. No,
ऐसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट एक्चुअली.